Everyone, let's start with question number 7. So it says in figure 6.3, if OP is parallel to RS, OP or RS parallel diye hue hain. OP Q ki value 110 di hui hai, QRS ki value aapko 130 di hui hai. To isme ek hint hai, same question NCRT mein bhi hai aisa. To usme hint hai ki aapne kya karna hai, OP ke parallel ek line banani hai aur RS ke parallel ek line banani hai. So this is my point Q. एक बार मैं दोबारा से बना देती हूँ. स्ट्रेट लाइन ऑन पॉइंट Q. तो ये आपका पॉइंटर हो गया Q. अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है PQR की वैल्यू. PQR की वैल्यू कैसे निकाले, अब ये देखो कि OPQ और PQX दोनों कैसे बन रहे हैं हमारे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो इसको X मान लेते हैं, स्मॉल X. तो 110 प्लस x इक्वल 180 डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 180 माइनस 110, सो दिस विल बी 70 डिग्री. ठीक है, अब हमें निकालना है दूसरी तरफ साइड का. सो इसको ले लो y, y हो गया. अब 130 प्लस y, क्योंकि सेम साइड पे है, ट्रांसवर्सल है, आर क्यू आपका और 130 और y सेम साइड पे है, तो सप्लीमेंट्री भी होते हैं 180. और इनको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है इनका, को इंटीरियर एंगल. तो y की वैल्यू आ गई आपकी 180 माइनस 130, दैट विल बी 50 डिग्री. अब आपने पी क्यू आर निकालना है, तो आपका ये जो नीचे वाली लाइन बन रही है कुछ ऐसे बन रही है. दिस इज माय 70 डिग्री, दिस इज माय x, दिस इज माय y, दैट इज 50 डिग्री. अब बीच वाला जो एंगल है वो क्या है, पी क्यू आर. अब पी क्यू आर निकालना है हमें ये वाला एंगल, इसको हम ले लेते हैं, पी क्यू आर ही रखते हैं. और ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, हमारा सेमी सर्कल बन रहा है. और तब हम 180 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 70 प्लस पी क्यू आर प्लस 50 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे. अब पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है हमें, सो इट विल बी 180 माइनस 120 डिग्री. 70 और 50 कितने हो गए, 120. तो 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री. सो नाउ पी क्यू आर एंगल इज 60 डिग्री. सो योर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन